सो आसिफ भाई ये बताइएगा कि डेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमेशा पाकिस्तान को जब कर्ज़ा उतारना होता है तो पाकिस्तान को नए बॉन्ड्स इशू करने होते हैं, नया कर्ज़ा लेना होता है। सो इस पर आपका कोई व्यू है कि ये वाला इसका कोई कोई लॉन्ग टर्म परमानेंट रेजोल्यूशन हो कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को किस तरीके से एड्रेस करे, किस तरीके से हैंडल करे? जी, पाकिस्तान देखिए, डेट लेना इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं ऑफ होती। कोर्स दुनिया में यस, तमाम मालिक जो है उन तमाम इकोनॉमीज के ऊपर डेट मौजूद है। एटलीस्ट जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेट एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ डेट से फर्क नहीं पड़ता। राइट, डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो नेशनल आमदन का एक एस्टिमेट होता है वो लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान में आज से 20 साल पीछे चले जाए तो पाकिस्तान मोर और लेस उसी डेट टू जीडीपी लेवल पे था जहां आज खड़ा हुआ है 20 साल के बाद। क्योंकि हमने जो पिछले 20 साल के दौरान जिस पीरियड में पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी इंप्रूव हुआ है उसके इंप्रूव होने की एक बहुत मेजर वजह यह थी कि वो पीरियड हायर जीडीपी ग्रोथ का था। तो राइट, जब आपकी हायर जीडीपी ग्रोथ आ रही होती है तो आपके जो डिनोमिनेटर जीडीपी का है वो ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू आपका जो न्यूमिनेटर है जो कि डेट का लेवल है, तो उसमें फिर आपकी रेशियो नीचे आती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, स्पेशली एनर्जी से मुतल्लिक जो बहुत बड़ा एक ड्रेन है, और बाकी जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, फिर हमारी जो टैक्स मशीनरी की इनएबिलिटी है टू कलेक्ट टैक्सेस, बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ लीकेजेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन का मसला, ये खासे एक पेचीदा मसाइल है जिसकी वजह से कोई इमीडिएट शायद या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकालना तो बहरहाल बहुत मुश्किल बात होगी। लेकिन एक कोशिश जरूर हो सकती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, जिसमें एफबीआर की टैक्स मशीनरी को इम्प्रूव किया जाए, एक बड़ी लिमिटेड बेस से हम टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको चेंज किया जाए, और दूसरी साइड पे जो एक्सपेंडिचर है उसमें स्पेशली वो एक्सपेंडिचर जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, स्पेशली जो सब्सिडीज का लेवल है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लॉसेज है उनको रिड्यूस किया जाए। अरे ये कॉम्बिनेशन होगा कोई एक, और खाली सिर्फ ये नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन खाली पेपर की हद तक, इसकी इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन जो है वो प्लानिंग से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब वो ये काम स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह फिर डेट टू जीडीपी लेवल भी गिर सकता है। आसिफ भाई ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है गवर्नमेंट बार बार इनिशिएट करती है और फिर वो इस प्रोसेस को समहाउ ब्रेक्स लग जाती है, सो इस इन हालात में यू सजेस्ट कि गोइंग फॉरवर्ड इन दिनों भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को रिजुविनेट करने के लिए? देखिए दो तीन चीजें, पाकिस्तान का ओवरऑल जो प्राइवेटाइजेशन का एक्सपीरियंस है अर्ली 90s से लेके 2010 वगैरह तक जो हमने प्राइवेटाइजेशन किए हैं वो तो मेरी नजर में तो खासा पॉजिटिव है। हमारा सीमेंट सेक्टर और जो था ये वन ऑफ द सेक्टर्स था कि जो कि अर्ली 90s में प्राइवेटाइज हुआ। पहले पाकिस्तान में सीमेंट की शॉर्टेजेस हो जाया करती थी 1980s के दौरान, अर्ली 90s में सीमेंट सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की वजह से बड़ी मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई। इन कंपनीज ने अपनी एफिशिएंसी लेवल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, ना सिर्फ डोमेस्टिक शॉर्टेजेस रिड्यूस हुई बल्कि हमने सीमेंट एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव है। जो लॉस मेकिंग बड़े बड़े बैंक से यूबीएल, हबीब बैंक, एलाइड बैंक, ये सारे प्राइवेटाइज हुए हैं, और पब्लिक सेक्टर में से प्राइवेटाइज होने के बाद जब ये प्राइवेट हैंड्स में आए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में टर्न अराउंड आए, इन्होंने बहुत बड़े गवर्नमेंट को टैक्सेस एंड डिविडेंड्स के कॉन्ट्रीब्यूशन देना शुरू किया। तो एक बात तो ये है कि जो हमारा एविडेंस है वो तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में जर्नली प्राइवेटाइजेशन कामयाब रही है कंपनीज को टर्न अराउंड करने में और एफिशिएंसी सेक्टर में इन जनरल लाने में। तो गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन एज अ प्रिंसिपल तो मेरा ख्याल से जरूर फॉलो करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में जितना मर्जी आप कोशिश कर लें उसके अपने एक इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं, इंसेंटिव स्ट्रक्चर की ट्रैकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होता है, फिर पाकिस्तान स्पेसिफिक पिक्यूलियरिटी जिसमें ये नैब है पाई के थ्रेड्स और कोर्ट वगैरह ये इशूज की वजह से लोग काम नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन तो मेरा ख्याल से तो इस पर तो कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि ये अच्छी है या नहीं है। ये मेरा ख्याल से तो एविडेंस प्रूव करता है कि इस तरह पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ है। किस स्ट्रक्चर में करनी है प्राइवेटाइजेशन, किस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में करनी है उस पर डिबेट हो सकती है,
और दूसरा ये है कि इस वक्त जो चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है, जो हमने अभी थोड़ी सी देर पहले बात की, वो ये कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज का शॉर्टेज है। इस वक्त जो पाकिस्तान का कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर है उसके पास लैक उसकी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू जीडीपी रेशो जो होगा वो तकरीबन 15% के अराउंड है, ये पीक हुआ करता था 28-29% के करीब 2007-2008 में। प्लस अगर आप लोकल कंपनीज की बैलेंस शीट देखें, जो हमारे बड़े ग्रुप्स हैं उनकी बैलेंस शीट्स में डेट का लेवल बहुत लो है या नहीं एग्जिस्ट करता, नेट कैश पे बैठी होंगी, उनकी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास ये सिचुएशन बनी हुई है कि हमारे पास एक तरफ पब्लिक सेक्टर है जिस जो रिसोर्स स्टाफ है, जिसके पास कैश नहीं है, एबिलिटी टू इन्वेस्ट नहीं है, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है कि जिसके पास एबिलिटी टू इन्वेस्ट बहुत है, कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट नहीं हो रही, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या तो पब्लिक सेक्टर के पास चली गई, गवर्नमेंट ने खुद अपना रोल एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, या टीपैक के जरिए वो चाइनीज इन्वेस्ट करते रहे। तो इस वक्त तो गवर्नमेंट को सूट यही करता है कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए, लार्ज स्केल बेसिस पे जाए, जिसमें हमारी लॉस मेकिंग एंटिटीज, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जनरेशन कंपनीज हैं, इनको प्राइवेटाइज करें विद राइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और राइट स्ट्रक्चर। जिस तरह मेरा अपना ख्याल है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन में सेल आउटराइट सेल से शायद गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिलेंगे, उससे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट एडिशनल कैपिटल इश्यूएंस के जरिए इन कंपनीज को प्राइवेटाइज करें, ताकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो आके पैसा डे वन कंपनी में इन्वेस्ट करें और वो पैसा फिर आगे यूटिलाइज हो सके फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट और इन कंपनीज को टर्न अराउंड किया जा सके। जबरदस्त।